मुष्टि, ये निक्की तो कलर की हट्टे बन गई है। आओ बेटा। हाँ सुना, रोहन वहां बैठा है, उसके पास बैठ जाना। हाय निक्की दी, व्हाट्स अप? हाय रोहन, सो हैप्पी टू सी यू। हाँ मी टू। आप फोन करने वाले थे, फोन नहीं आया आपका। वो मुझे ना कॉल आ गया था मीटिंग के लिए, सो आई एम सॉरी। नो वरीज, अब कॉफी का डेट कैंसिल हो गया है, बट डिनर डेट इज ऑन राइट। आई स्वेयर निक्की, मैंने ना तेरा आज मुंह ही तोड़ देना है। वाइल्ड कार्ड एंट्री की होगी तूने, बट हेलो, तुम्हारा कोई चांस नहीं, समझी ना? डिनर? हाँ रोहन, अभी तो फ्री हो, डिनर पे ले जाओ निक्की को। एक दूसरे को जानोगे पहचानोगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। ऑफ कोर्स रोहन, तुम दोनों को डिनर पे जरूर जाना चाहिए, है ना दादी? बात संभाल रही है या बिगाड़ रही है मिष्टी? क्या बोल रही है मिष्टी? देख परी, अगर रोहन निक्की को बाहर डिनर पे लेके जाना चाहता है तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? मैं क्या सोच रहा था, डिनर तो हम कभी भी जा सकते हैं ना, बट देखो आज है ना, इतने वक्त बाद सब साथ में बैठे हैं और साथ में बैठ के हम गेम्स खेल रहे हैं, तो ये मिस नहीं करना चाहिए हमें, तो तुम भी ज्वाइन कर लो हमें। या श्योर, व्हाई नॉट, गेम नाइट लुक्स लाइक फन। या प्लीज तुम हमारे साथ खेलोगी? ऑफ कोर्स, सो मच फन। अब रुहान ने कहा है तो खेलना ही पड़ेगा। अरे निक्की, यू बी कंफर्टेबल, या बी कंफर्टेबल। निक्की, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस हियर, यहां आके बैठो ना। या श्योर। या रुहान, तुम खेल रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। Who's going first? मैं तुम्हें मूवी का नाम बोलती हूँ और तुम्हें नैक करना। ठीक है। रुहान, ये अच्छा मौका है, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा के अपने प्यार का इजहार कर ही देती हूँ तुमसे। हे भगवान, साथ देना प्लीज। मूवी के नाम के बहाने ही सही अपने दिल की बात कह ही दूंगी तुमसे। परी? हाँ? हमारे पास अभी पूरी रात नहीं है। हिंदी हिंदी थ्री वर्ड्स। आप, वो, हम। हमारा नहीं, मुझे नहीं खेलना। कम ऑन यार, मिष्टी क्या नाटक कर रही है, खेलना यार प्लीज, बहुत मजा आएगा।
ऐसी कोई मूवी है ही नहीं। है, और तुम्हें इनैक्ट करनी है, वो भी मेरी आंखों में देखकर। ऑल द बेस्ट। रेडी मिस्टीज, रेडी। फॉरवर्ड्स। मैं, हमारा, हम सब, हम, तू, मैं, अब निकी की बारी। ओके। मैं बोलूंगा, मेरी बारी। ड्रैकुला। सीरियसली? हाँ, यही बोलना है। फ्रैंकेनस्टाइन। घोस्ट, घोस्ट, घोस्ट। ड्रैकुला। ड्रैकुला। अरे वाह, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप कौन हैं? अच्छा, रोहन, तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। यहाँ नहीं, अकेले में। सब बैठे हुए अच्छा नहीं लगेगा। So what? मुझे बात करनी है तुमसे अभी। बालकनी। कैसे जाऊं उनके पीछे? सबको शक होगा कि मुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है। खामखा बात बिगड़ जाएगी। हाँ, नेक्स्ट किसकी बारी है भाई, बताओ। मिष्टी, अपनी दादी को ना अच्छी सी फिल्म का नाम देना। और मुझे वीर, तू इतने गुस्से में क्यों है? मेरा कहने का मतलब था कि लड़की में ही कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो छोड़ के चली गई। वीर, एक्सेप्ट द डैमेज कि वो तुझे डम करके गई है, और मेरा कॉलर पकड़ने से ना कोई सच्चाई नहीं बदलने वाली। भूल जा उसे और लाइफ में आगे बढ़। सुतन्वी, क्या बात करनी? देखो रोहन, बुरा मत मानना। आई कैन कॉल यू रोहन, राइट? एनीवे, मुझे अब तुम्हारा इन लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्सक्यूज मी? हाँ, एनीवे, शादी के बाद तो हम लोग साथ में रहेंगे, राइट? तो बेहतर है तुम अभी घर ढूंढ लो,
और शिफ्ट हो जाओ। पर निकी, पर क्या? मुझे पसंद नहीं है कि तुम यहाँ मिष्टी और परी के साथ रहते हो। तुम मेरे हो और किसी के नहीं। देखो मॉडर्न है, शो ऑफ करती है, पर ऐसा नहीं है। लुक निकी, मॉडर्न हो या ना हो, तुम्हें वो दोनों पसंद हो या ना हो, पर एक चीज नहीं भूल सकते ना, कि उनकी दादी ने हमारे रिश्ते का अप्रूवल दिया है। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। शायद उनको ही लगा होगा कि उनकी दोनों बेटियां आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकती। People are made in heaven. शायद इसीलिए दादी ने तुम्हारे लिए मुझे चुना। और अब तक तो तुम्हें भी पता चल गया होगा कि उनमें और मुझ में कितना फर्क है। मिष्टी, आज कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने टाइम बाद सारे एक साथ बैठे हैं। सच में मिष्टी, तेरा ध्यान कहाँ है? मेरा वो, हाँ, बुआ बुआ को देख रही थी। तू बता ना, तेरी जॉब कैसी चल रही है? जॉब बहुत अच्छी चल रही है और वीर सर भी बहुत अच्छे हैं, ट्रस्ट करते हैं आप। चलो अच्छा है, आई एम हैप्पी। एंड यू नो मिष्टी, आज वीर की मॉम भी ऑफिस आई थी, किसी लड़की को लेकर वीर से अकेले में बात करना चाहती थी, बट वीर सर ने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया। वीर की मॉम वीर के लिए भी लड़कियां देख रही है? हाँ, वीर की पुरानी फ्रेंड है जानवी वर्मा, आईएम में पढ़ती है। आंटी कह रही थी कि उसको वीर बहुत पसंद है। और वीर को? अब वीर कह रहा था कि उसको अभी रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उससे मिलेगा जरूर, स्माइल भी बहुत कर रहा था। चलो आई एम हैप्पी, वीर मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहा है। So end of discussion. तुम एक दो दिन में इस घर को छोड़ दो। मैं ये घर नहीं छोड़ने वाला हूँ, ना ही मैं परी और मिस्ट्री से अपनी दोस्ती तोड़ने वाला हूँ। और रही बात तुम्हारी और मेरी, लम्बी डाली वन स्ट्रेट, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? तो हमारी कॉफी डेट, डिनर डेट? ओके ओके ओके, लेट्स क्लियर दिस आउट। दादी ने मुझसे कहा तुमसे मिलने, पर मैंने ये रिश्ते के लिए हाँ नहीं कही। So I can't marry you, plain and simple. क्यों नहीं कर सकते मुझसे शादी? What's wrong with me? There's nothing wrong with you. तुम बहुत अच्छी हो. It's not you, it's me. I love someone else. What? निकी, मैडम गुस्से में चली गई है क्योंकि रोहन ने शादी करने से मना कर दिया। सच्ची? अच्छी। वैसे हमें क्या फर्क पड़ता है रोहन आ गए या ना, हमें क्या? अरे हमें क्या मतलब क्या, हमें तो फर्क पड़ना चाहिए ना, रोहन हमारा दोस्त है ना मिष्टी। तो मैं, रोहन क्या बात है बेटा, निकी ऐसे क्यों निकल गई? नहीं कुछ नहीं दादी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और मुझे कुछ काम है, मेरे को निकलना है।
देर बहुत हो गई है रोहन, सोचा वैसे भी हमारा ये मिलना ठीक नहीं, कोई भी आ सकता है। अभी भी नाराज हो मुझसे? श्री तुम रो क्यों रही हो? तुम कल से मुझसे ठीक से बात नहीं करी हो, अंदाज़ सोके मत करो, पर मुझे इतना तो बता दो कि मेरी गलती क्या है। तुमने निक्की के साथ अपने रिश्ते के लिए हाँ कैसे कह दिया? How could you, रुहान? हाँ बोल दिया? Oh my God, Misty. You know, just because I said yes doesn't mean I'm gonna marry her. बात ये नहीं है कि तुम सच में उससे शादी करने वाले हो या नहीं, पर रुहान तुम मजाक में भी उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ने के लिए हाँ कैसे कह सकते हो? ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तुम्हारा किसी और के लिए हाँ कहना मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। कैसे हाँ कह दिया उसके लिए? उसके साथ शादी करने के लिए तुमने हाँ कैसे कह दिया? Come on, Veer. Cheers. ठीक है, मैं चेस कर लेता हूं। एक बात बताओ भी, वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तुमने उसे नहीं छोड़ा है, फिर तुम्हारे मन में रिग्रेट क्यों है? उसने तुम्हें छोड़ा है और ये उस लड़की का बहुत बड़ा लॉस है। आई एम देयर योर डैड। एक बार तो हां बोलकर देख, मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगा, उससे लाख गुना ज्यादा सुंदर और समझदार, जो परिवार के मायने समझे, रिश्तों की इंपॉर्टेंस समझे, और सबसे बड़ी बात तुमसे बेशुमार प्यार करे। जस्ट फॉरगेट इट डैड, प्लीज। नो, कि क्या हालत बना के रखी तुमने अपनी। मैं तुम्हारा डैड हूं, नहीं देख सकता ये सब। सिर्फ लड़की है वो एक, और उससे तुम्हारा रिलेशन खत्म हो चुका है। डील विद इट। जो बीत गया उसे बिल्कुल भूल जाओ। अपनी मां के बारे में सोचो, दिन रात तुम्हारी फिक्र करती है। आंसू तुम्हारी आंख से गिरते हैं अब, और दर्द उसे होता। एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश करो वीर। अरे इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, उस पर ध्यान दो। सही जगह पर ध्यान देने में ही समझदारी है वीर। कोई लड़की इस काबिल नहीं है जिसके लिए तुम अपना करियर और अपनी जिंदगी बर्बाद करो। बैठ। मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया है। शुरुआत तो तुमने ही की ना। दादी के मन में क्या चल रही है तुम्हें अच्छी तरह पता था। मुझे बताने के बजाय तुमने अज्यूम कर लिया, मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं। चलो ठीक है, माना दादी ने कहा कि रुहान को कुछ मत बताना, शायद वो सरप्राइज देना चाहती थी, आई डोंट नो। तो मैं भी मस्ती करने लग गया, और जब तुम बहुत क्यूटली पोजेसिव होने लगी, आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। मैं बस चिढ़ा रहा था तुम्हें और कुछ नहीं। ऐसे कोई किसी को चिढ़ाता है क्या? अगर ये मजाक सच में बदल गया तो, अगर हम दोनों के बीच कोई तीसरी लड़की सच में आ गई तो, अगर मैंने किसी और को हाँ कह दी तो, मिस्टी, nothing can change that. कोई भी तीसरा हमारे बीच में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये मैं होने नहीं दूंगा। मर जाऊंगा पर तुम्हें किसी और का होते हुए देख नहीं पाऊंगा। So get that thought out of your head. अगर तुमने मुझे फिर से चिढ़ाया तो मैं सच में तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। नहीं जा पाऊंगी। बिन स्याही कलम क्या, बिन रूह जिस्म क्या, बिन अल्फाज कहानी क्या, बिन आबरू वजूद क्या, बिन मोहब्बत जीना क्या, बिन जिंदगी धड़कन क्या, बिन धड़कन मैं क्या, और बिन मेरे तुम क्या।
इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तो मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ वीर, अगर तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो चुप रहना सही नहीं है। उसने जो तुम्हें छोड़ने की गलती की है अब उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने का वक्त आ गया है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.